पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दीवार काउंसलिंग ऑफ इंडिया के आह्वान पर दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद की ओर से अधिवक्ताओं ने अपने अध्यक्ष विनय कुमार कौशिक की अध्यक्षता में शांति मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को भेजा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं की समस्याओं की ओर ध्यान अवगत कराना है, जिसमें मूल रूप से अधिवक्ता समुदाय को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए, अधिवक्ताओं का जीवन बीमा से कवर किया जाए, युवा अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। यदि इन सब मांगों को लेकर आज अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से महासचिव अभिषेक भटनागर, राकेश जौहरी, अंजार हुसैन, राकेश चौहान, दानवीर यादव आदि अधिवक्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर ये शांति मार्च के माध्यम से मुराद बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अधिवक्ता द्वारा आज ज्ञापन दिया गया डीएम साहब को, इस आशय से कि वो हमारी मांगे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्धारित करी हैं वो प्रधानमंत्री तक पूर्ण रूप से पहुंचाएं। क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे हमारे जो अधिवक्ता है वो कानून का सजग प्रहरी है, सरकार द्वारा उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, उसको जो फंड जूनियर अधिवक्ता के रूप में मिलने चाहिए वो नहीं मिले, उसका जीवन जो जीवन है वो असुरक्षित है, बीमा पॉलिसी सरकार की तरफ से कोई भी अधिवक्ताओं के लिए जारी नहीं है, आवास की सुविधा नहीं है, विभिन्न संस्थाओं द्वारा अधिवक्ताओं को उपेक्षित रखा जाता है, सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस ज्ञापन के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के अधिवक्ताओं को हड़ताल पर कॉल किया है और ये शांति मार्च है। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसके लिए और आगे कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करेगी सरकार के प्रति, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे।